खबर देवरिया जनपद से है, जहां पुलिस अधीक्षक श्रीपति मिश्र द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत सेंट्रल चौकी स्थित पुलिस आवासीय परिसर का निरीक्षण किया गया, जहां पर पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा आवासों में निवासित पुलिस परिवार से अपने आवास एवं आसपास सफाई रखने हेतु कहा गया एवं ईओ नगर पालिका देवरिया को अपने स्तर से भी परिसर की साफ सफाई करवाने तथा कूड़ेदान लगवाने हेतु उचित दिशा निर्देश दिया गया। तत्पश्चात जिस पुलिसकर्मी का स्थानांतरण हो जाने के पश्चात भी उनके द्वारा अपने अपने आवास को खाली नहीं किया गया तथा देवरिया में नियुक्त पुलिसकर्मी को उक्त आवास आवंटित होने के कारण उपजिलाधिकारी सदर देवरिया की उपस्थिति में ताला तोड़कर उसमें प्रतिसार निरीक्षक द्वारा ताला लगाया गया तथा पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि जो स्थानांतरण पर है तथा आवास में काफी समय से ताला लगाकर यहां पर नहीं रहते हैं उन्हें नोटिस जारी कर कार्रवाई करें। तदुपरांत पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा पुलिस से परिवार के साथ मिलकर उनसे उनकी समस्याओं के संबंध में चर्चा करते हुए लॉकडाउन का पालन करने एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क सैनिटाइजर साबुन से हाथ धुलते रहने संबंधित दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया शिष्यपाल उपजिलाधिकारी सदर दिनेश कुमार मिश्रा क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय प्रतिसार निरीक्षक प्रकाश चंद्र पांडे प्रधान लिपिक भुवनेश राय पीआरओ पुलिस अधीक्षक नवीन चौधरी आदि उपस्थित रहे। मकान नंबर क्या है तुम्हारा? अपने एसओ साहब को इंस्पेक्टर साहब को बता दीजिए, कहिए हमसे बताइए। ठीक, ये क्या नाम है इनका? ठेकेदारी का तिवारी जी तो महान है, बताते हैं लोग कौन वाले महान हो। अब इनके भाग्य में क्या लिखा है? अच्छा, इसको कितना रहता है?